हेलो दोस्तों, वेलकम टू गियर फ्लिक। और ये है TVS अपाचे RTR 164V का अपग्रेडेड वर्जन। और ये जो आप बाइक देख रहे हैं, ये स्पेशल एडिशन है। दिस इज़ एसेंशियली द 4 मिलियन एडिशन। अपाचे के 4 मिलियन बाइक्स बन चुके हैं, जो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है TVS के लिए और ऑफकोर्स इंडिया के लिए भी। और इस बाइक में कुछ अपग्रेड्स हुए हैं, कुछ चेंजेस हुए हैं, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये जो आप देखेंगे, ये इसका हेडलैम्प है जो टोटली न्यू है। और इसके DRLs चेंज हो गए हैं। पहले ये ऊपर की तरफ एक आईब्रो के जैसे हुआ करते थे, अब ये सेंटर में आ गए हैं, विच इज़ इंटीग्रेटेड इनसाइड द लैम्प, बाहर नहीं है ये। और पहले से ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। रेफरेंस के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि पुरानी बाइक कैसी लगती थी। ये पुरानी वाली का लुक था, इस तरह से इसके DRLs ग्लो होते थे, और अब ये चेंज होके इस तरह से हो गया। एंड मेरे हिसाब से दिस लुक्स मच मोर स्मार्टर। यहाँ पे आपको स्मार्ट एक्स कनेक्ट का एक स्टिकर मिल जाएगा, क्योंकि इसमें अब ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी आ गई है और ऐप कनेक्टिविटी भी आ गई है। ये इसका IP है जो अब पहले से चेंज हो गया है। पहले एम्बर की लाइट होती थी इसके बैकग्राउंड में, अब ये वाइट लाइट हो गई है। और यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन काफ़ी सारी मिल जाती है। गियर पोजिशन इंडिकेटर अब इसमें मिलता है आपको। यहाँ पर टैकोमीटर है, स्पीडोमीटर है, और यहाँ पर बाकी इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ से आप टॉगल कर सकते हैं। लैप टाइमर मोड है और हाई स्पीड मोड है, जहाँ पे आपकी हाई स्पीड भी रिकॉर्ड हो जाती है। आपका 0 to 60 कितने देर में आपने कवर किया है, वो इसमें आ जाता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जो मेजर अपग्रेड है वो यहाँ पे आपको अब राइडिंग मोड्स मिल जाते हैं अलग अलग, जैसे कि पहले 204V में इंट्रोड्यूस हुए थे, ये अर्बन मोड पे है अभी। और यहाँ पे इसका मोड का स्विच है, इसे प्रेस करने से मोड चेंज होते हैं। ये स्पोर्ट मोड है और ये रेन मोड है। तो 3 मोड्स आते हैं, और इन मोड्स में डिफरेंस ये है कि पावर भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है। रेन और अर्बन में कोई चेंज नहीं है, लेकिन स्पोर्ट मोड में ये चेंज हो जाता है। और इनफैक्ट इंजन की बात करें तो इंजन सेम है। ये एक ऑयल कूल्ड इंजन है, SOHC विच हैज़ 4 वाल्व्स, और 160cc का इंजन है ये। ऑयल कूल्ड इंजन है ये, और इसमें जो पावर है वो आपको मिलता है पीक पावर 17.5 BHP का, एट 9250 RPM। और ये जो मोड है या ये जो पावर है आपको इसके स्पोर्ट मोड में मिलता है। अगर आप इसे अर्बन या रेन मोड पे चलाएंगे तो आपको 15.6 BHP का पावर मिलेगा, एट 8600 RPM। अब वहीं टॉर्क की बात करें तो स्पोर्ट मोड में आपको 14.7 Nm का टॉर्क मिलता है, और अर्बन और रेन मोड में 14.1। यानी टॉर्क में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन इसके पावर में आपको फ़र्क पड़ जाता है डिफरेंट राइडिंग मोड्स में। पीछे से देखें तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं है, LED की टेल लैंप है ये, और बाकी आपको यहाँ पे चेंज नहीं मिलता है। अभी स्पेशल एडिशन में आपको जो कलर स्कीम मिलती है वो अलग मिलती है, ये नाइट ब्लैक कलर में आती है, और रेड एक्सेंट्स बहुत सारे मिल जाते हैं। ऑफकोर्स यहाँ पर आपको सेंटर में जो रेड स्ट्रिप है पहले की तरह वही मिलती है। सीट जो है ये काफ़ी अलग है, सीट कवर 2-टोन फिनिश में अब आता है। यहाँ पे TVS रेसिंग की बैजिंग मिल जाएगी सेंटर में, और यहाँ पे जो रेड कलर का कॉम्बिनेशन दिया है ये इसे एक अच्छा स्पोर्टी एज भी देता है। उसके अलावा जो अलॉयज हैं इसके, ये अब रेड कलर में आपको मिलेंगे, एंड दे लुक प्रीटी कूल ऑल्सो। यहाँ पे इसके फ्रंट मडगार्ड पे भी TVS रेसिंग की बैजिंग मिल जाएगी, और ये जो रेड अलॉयज हैं काफ़ी अच्छे लगते हैं। इंजन कॉल पहले की तरह ही है, उसमें कोई चेंज नहीं है। और जो गियर बॉक्स है इसका, ये भी सेम है, 5 स्पीड का यूनिट है, उसमें भी कोई चेंज नहीं है। इसमें कोई क्विक शिफ्टर नहीं आता है, ना ही स्लिपर क्लच आता है। अपाची की बैजिंग भी जो है ये वैसी है, और पीछे यहाँ पे आपको RTR 164V लिखा हुआ मिल जाएगा। उसे ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 180mm का इसका ग्राउंड क्लियरेंस है, और सीट हाइट जो है 800mm की है, तो उसमें भी कोई चेंज नहीं है एज सच। टायर जो हैं, अब इस स्पेशल एडिशन में पीछे जो टॉप एंड वेरिएंट है इसमें रेडियल टायर आता है, और ये 130/17 सेक्शन का है। फ्रंट में आपको 1990 सेक्शन का ट्यूबलेस टायर मिल जाता है रेगुलर। और ब्रेक्स जो हैं, ये फ्रंट में आपको 270mm का डिस्क आपको मिल जाएगा, और पीछे 200mm का डिस्क है। अब ये जो नई 164V है, ये 4 वेरिएंट्स में अवेलेबल है। स्टैंडर्ड जिसमें पीछे आपको ड्रम ब्रेक मिलेगा, वो उसकी जो प्राइस है ये 1.15 लाख है एक शोरूम। एक स्टैंडर्ड डिस्क मॉडल आता है जिसमें पीछे आपको डिस्क ब्रेक मिलेगा, वो 1.17 लाख का है।
और एक स्टैंडर्ड टॉप एंड वेरिएंट जो 1.2 लाख का है। और इस स्पेशल एडिशन में आपको ये सारी चीज़ें मिलती हैं जो मैंने आपको बताई है। 1.21 लाख इसकी एक शोरूम प्राइस है। और एक और फीचर जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है कि इसमें आपको एडजस्टेबल क्लच और ब्रेक लीवर मिलते हैं। और ये जो चीज़ है ये काफ़ी हेल्पफुल है। इनफैक्ट अगर आप बहुत ही एंथुजियास्टिक वे में राइड करते हैं तो आपको ये समझ में आएगा कि ये जो एडजस्टेबल लीवर्स हैं इनका क्या यूज़ होता है। दे आर वेरी नाइस। और अपने हिसाब से आप इसे यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं आपके रीच के लिए। सो दीज आर द अपग्रेड्स जो इस बाइक में अब हुए हैं। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी से इसकी वैल्यू और थोड़ी बेटर हो गई है। और जब आप इसे ऑन करें तब यहाँ पे आप देख सकते हैं हाई अपाचियन आएगा और किस मोड में बाइक है वो पहले दिखा देगा। यहाँ पे ब्लूटूथ पेयरिंग जब आप करेंगे तो यहाँ पे ब्लूटूथ का इंडिकेशन आपको मिल जाएगा। और ये ऑफ कोर्स इसके आरपीएम लिमिटर की लाइट है। इसका एग्जॉस्ट नोट भी एक बार सुन लेते हैं। इस तरह से ये स्टार्ट होती है, क्विक स्टार्ट है। और सो नॉट मच चेंज इन द एग्जॉस्ट नोट। यहाँ पे ट्विन बैरल जो पहले आता था वैसा ही है, उसमें कोई चेंज नहीं है। तो ये जो मैंने आपको अपडेट्स बताए ये इसमें हुए हैं। इसकी वजह से अब ये और अट्रैक्टिव हो गई है। आप हमें कमेंट से बताइए कि आपको अपाचे आरटीआर 164V नई वाली और ये स्पेशल एडिशन वाली कैसी लग रही है और क्या आप इसे ख़रीदना चाहेंगे या नहीं। इसका एक डिटेल रिव्यू भी हम आप तक लेके आएंगे और आपको बताएंगे कि राइडिंग मोड्स आने के बाद परफॉर्मेंस में क्या डिफरेंस हुआ है। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, गियर फ्रिक को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इसके रिव्यू के साथ जल्दी हाजिर होंगे। तब तक के लिए गुड बाय।